भारतीय सैनिकों का भयंकर बवंडर। लद्दाख की ठंड में काम कर गया मोदी का चक्रव्यूह। सर्दी में सीमा छोड़ भागे चीन के कमजोर सैनिक। जो सुधर जाए वो चीन नहीं हो सकता। पहले जरा नए साल की ये तस्वीरें देखिए। लग रहा है हिंदी चीनी वास्तव में भाई भाई हैं। लेकिन अगर इन तस्वीरों को देखकर आपको तगड़ा प्यार उमड़ पड़ा है तो फिर ये देखिए। ये जगह है अरुणाचल प्रदेश का बमला दर्रा, जहां भारतीय सेना की दहाड़ के बाद चीनी फौज वापस खिसक रही है। ये वही जगह है जहां 1962 युद्ध में भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने थी। अब यहां भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान 2400 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच कारोबार अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन उसके फितरत में कोई कमी नहीं आई है। लद्दाख की ठंड में सैनिक मर रहे हैं, लेकिन अब उसने जो कुछ किया है वो साजिश की पराकाष्ठा को पार कर देता है। लेकिन दोस्तों, चपटी नाक वाले चीनी जो दम रखते हैं उससे कहीं आगे भारतीय सेना की प्लानिंग अब बढ़ चुकी है। अब भारतीय सेना ने एलएसी पर ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसने सर्दी के मारे चीनी सैनिकों को वापस दौड़ने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ये खबर बड़ी काम की है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश भी बस यही देखने की थी। बहुत हो गया प्यार दुलार, बिना लात के ये चीनी मानने वाले भी नहीं है। तो फिर मोदी ने ऐसा कौन सा पासा फेंका है जिससे पीएलए की नींद उड़ गई है और जिनपिंग को सर्दी में भी पसीने आ रहे हैं। चीनी सेना आखिर अचानक बेहाल क्यों हो गई है? अंतरिक्ष में खतरनाक सैटेलाइट भेजकर चीन जो जासूसी करने में लगा है, उसका तोड़ भारत कैसे निकालने जा रहा है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं वो बेहद खास बात जिसने अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन की हालत खराब कर दी है। सीमा पर भारतीय सेना का जबरा भौकाल, हजारों साल पुरानी युद्ध तकनीक को कर डाला जिंदा। दोस्तों, सीमा पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अब तक के सबसे खतरनाक चक्रव्यूह का निर्माण किया है। बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना ने सीमाओं पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बढ़ोतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने के जवाब में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा लिया है और अब महाभारत का असली चक्रव्यूह बन चुका है, जिसमें जिनपिंग के चूजे फंसने भी लग गए हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह बना लिया है। तो दोस्तों, टीम मोदी हजारों साल पहले युद्ध तकनीक में नया तड़का लगाकर हिमालय में खेल कर रही है। भारत ने हिमालय के उन क्षेत्रों में जिन जगहों पर अभी तक इंडियन आर्मी की तैनाती नहीं की गई थी, वहां भी कमांडोज को तैनात कर दिया है और सीमा पर अपनी ताकत में तेजी से बढ़ोतरी कर ली है। इंडियन आर्मी लगातार उन क्षेत्रों का आकलन कर रही है जहां चीन की सेना की तरफ से खतरा पैदा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आर्मी ने उन इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाई है जहां चीन की सेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, क्योंकि अब उनके चिकन हार्ट सैनिक ठंड से कांप कर वापस दौड़ रहे हैं और भारत के जाबाज इस वक्त भी ठंड में बवंडर ला रहे हैं। अब एलएसी पर चीनी सैनिक जब भी आक्रामक और उकसावे वाली कार्रवाई करते हैं तो भारत भी लपक कर उनका मुंह तोड़ देता है। मतलब बॉर्डर पर अब कोई जगह छोड़ी ही नहीं है जहां चीन की चालबाजियां चल पाए, क्योंकि सीमा पर भारत भी बुनियादी ढांचा अपग्रेड कर चुका है। हर मौसम में काम करने वाली सड़कों के साथ साथ सुरंगों का निर्माण और रणनीतिक रेलवे लाइनों का भी निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों, इसी बात से परेशान जिनपिंग की भी सभी चालें गायब हो गई हैं। वो परेशान हो गया है कि मोदी के चौतरफा चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, लिहाजा उसने बाकायदा एक बड़ी बात कही है। दोस्तों, मैं आपको जिनपिंग की छटपटाहट वाली बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि चीनी फौज को चुटकियों में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश से कैसे चलता कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में चीन कर रहा था बड़ी कारिस्तानी। भारतीय फौज के हुंकार के बाद दम दबाकर भागे चीनी। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में चीन के उकसावे वाली गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अब उसका जवाब देने के लिए उसके बाप हर वक्त तैनात रहते हैं। 1962 में जिस जगह पर भारत और चीन आमने सामने हुए थे, उस बुमला दर्रे पर एक बार फिर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वापस भगाया है। दोस्तों, इस घटना का जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें भारतीय सेना के अधिकारी ने चीनी सैनिकों से अंग्रेजी में कहा कि हम यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करते हैं, आप भी वही बनाए रखें, समझे? जिसके जवाब में चीनी सैनिक ने कहा, हाँ हाँ, मैं समझता हूं। उसने आगे कहा कि आपके कमांडर ने कहा है कि हम यहां बुमला तक पहुंच सकते हैं और आप भी यहां पहुंच सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर भारतीय सैनिक ने कहा कि मैं अपने कमांडर से स्पष्ट करूंगा। ये वीडियो नए साल से कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत लालायित दिख रहा है। वो पूरे के पूरे पूर्वोत्तर को ही हड़पने की कोशिश में है। हालांकि उसके मंसूबे अब एक इंच जमीन के भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की है। इन्हीं नामों का इस्तेमाल अब चीन के आधिकारिक नक्शे में किया जाएगा। चीन का ये कदम भारतीय इलाके पर अपने दावे को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। चीन ने एलएसी के आसपास कई आधुनिक गांवों का भी निर्माण किया है। भारत चीन के बीच जारी तनातनी को देखते हुए आम नागरिक इन गांवों में रहने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन चीन इन लोगों को तरह तरह के लालच देकर फांसने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत से लगी सीमा के नजदीक गांव का निर्माण किया है। ये गांव काफी दूर दराज के इलाके में बनाए गए हैं। इसके अलावा यहां मौसम भी लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में चीन लोगों को लुभाने के लिए सड़कों, पानी, बिजली और कम्युनिकेशन नेटवर्क को दिखा रहा है। इन लोगों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को देने का ऑफर भी दिया जा रहा है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 600 से अधिक ऐसे गांवों का निर्माण कर रहा है। हालांकि दोस्तों, चीनी ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने और भारतीय सांसदों को पत्र लिखने के बाद नए साल पर एक और घटिया हरकत की है। चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीनी सैनिक नए साल की बधाई देते नजर आ रहे हैं। भारतीय सीमा के पास मौजूद ये चीनी सैनिक कह रहे हैं कि हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इनके पीछे पहाड़ी पर लिखा है, कभी भी एक इंच जमीन नहीं देंगे। चीन ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें चीनी झंडे को तिब्बत के बर्फीले इलाके में एक ड्रोन से फहराया जा रहा है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से लद्दाख में विवाद बना हुआ है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 जून 2020 को खूनी झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, वहीं चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 5 ही मानता है। इस झड़प के दौरान चीन के कमांडर समेत कई जवान गिर गए थे। जब भारतीय सैनिक भारी पड़ने लगे, तब चीनी सेना ने और सैनिकों को बुला लिया। दोस्तों, इस वक्त भी दोनों ही तरफ से 1,00,000 से ज्यादा सैनिक लद्दाख में एलएसी पर तैनात हैं, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की हरकतें लगातार जारी हैं। हालांकि मोदी सरकार उसके हर वार को बर्बाद करती जा रही है। रही सही कसर भारतीय सेना की सीमा पर तगड़ी मरम्मत ने कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के सैनिक सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर चीनी सैनिकों के सीमा पर रहने से इनकार करने के बाद अब चीन ने भारतीय सीमा के पास रोबोट की तैनाती करनी शुरू कर दी है। ऐसा दावा किया गया है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास जिन रोबोट्स की तैनाती कर रहा है, वो हिम शिंगन चलाएंगे। भारत के साथ गतिरोध के बीच चीन अपने पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशीन गन ले जाने वाले रोबोट को तैनात कर रहा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चीनी सैनिक अब काम करने के लायक नहीं रहे हैं और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले चीन की तरफ से कहा गया था कि सर्दी के महीने में भी चीन के कम से कम 50,000 से 60,000 सैनिक सीमा पर रहेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट है कि चीन की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने सैनिकों को सीमा पर कैसे रखे। यानी दोस्तों, भारत ने चीन के नाक में दम ही नहीं, उसे नथ भी पहना दी है। दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, कॉमेंट लिखकर जरूर बताएं।